बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूं मैं भाई। T20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चबवा दिए थे। विराट के लास्ट 3 ओवर जो थे वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल गए, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल गए। 3 ओवर नीचे तो उन्होंने लगा दिया था आपको। फिर उससे बैक काउंट कीजिए, उससे ठीक पहले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से ठीक पहले एशिया कप में इनके 2 मुकाबले हुए थे, एक वो जीते और जो हम जीते वो लास्ट में फंसा था। तो हम जीते पहला लास्ट में, लास्ट फिर वो लास्ट में जीत गए, हम फाइनल नहीं खेले थे। सो पॉइंट इज, और उससे पीछे जाएं दुबई वाला वर्ल्ड T20 वो आपको मार के चले गए थे। सो ऐसा नहीं है आंख, मैं ना कभी कभी फैंस को देख के बड़ा हैरान भी होता हूं, शायद ये हमारा कल्चर ऐसा बन गया है कि हिम्मत कैसे हो गई इसके बारे में, हिम्मत कैसे हो गई उसके बारे में, ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ। पाकिस्तान T20 में डेंजरस है, वनडे में हो सकता है वो इतने डेंजरस ना हो, टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है उतने डेंजरस एज ऑफ टुडे ना हो, पर T20 इज अ लॉटरी। उन्होंने आपके 4 ऊपर से आउट कर दिए थे, आप तो मर गए थे उस दिन। सो अब अगेन इंडिया पाकिस्तान का मैच अल्टीमेट एनालिसिस में शायद मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो नूरा कुश्ती के ग्रुप के मैच, दोनों ने जाना ही जाना है, मोमेंटम तो मैटर करेगा ना। आप दुबई में पहला मैच खेलने गए थे, पहला मैच आपके आउट हुए, आपने अगले मैच में क्या किया, बातें तो हमने बहुत की। अगले मैच में आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, यू पैनिक्ड सो मच कि आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया। यू ऑल्सो नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन आईसीसी टूर्नामेंट्स में सूर्या की भी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं फंसे हुए मैचों में। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक क्लियर कट, आप अभी भी यू होपिंग फॉर अ प्रेयर, यू प्रेइंग कि कुछ हो जाएगा। आप अभी भी टीम जो बना रहे हो बेस्ट केस सिनेरियो में बना रहे हो, मनोज अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं, अनिल अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं, विक्रांत अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं। पॉइंट इज, आपको यह देखना होगा जो मैं बार बार कहता हूं, हर दफ्तर में ये जो फायर ड्रिल्स होती हैं, जो फायर अलार्म्स होते हैं, आग तो नहीं लगती है, वरिष्ठ माई कोई 1000 बिल्डिंग में से एक में आग लगती है, बट 999 बाकियों को भी तैयार रहना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाला T20 वर्ल्ड कप और फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच, इस सब पर अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इंडिया की टीम देखें तो इंडिया की टीम घर की शेर है लेकिन बाहर की ढेर है। पिछली बार पाकिस्तान से वो 2022 के वर्ल्ड कप में इसलिए बच गए थे कि दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तों कोहली ने एक पारी खेल ली थी और इस पारी की बदौलत ये हुआ कि पाकिस्तान हाथ से ये मैच निकल गया था। और दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में जो हारिस रऊफ है जो गधे की तरह बॉल बस फेंकता ही है, उसे पता ही नहीं है, तो वहां पर 3 छक्के पड़ जाते हैं, पाकिस्तान के हाथ से जीता हुआ मैच निकल जाता है, जबकि पाकिस्तान 2021 की तरह 2022 में भी भारत से जीत गया था। T20 है और दोस्तों पाकिस्तान इस बार जबरदस्त टीम बनाई है, नसीम शाह की वापसी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी खतरनाक नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान की बॉलिंग की शान है और दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान टीम में जो वापसी की है उससे अब भारत में काफी परेशानी शुरू होगी है। दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 मैच भी चल रहा है और मोहम्मद आमिर ने आते ही पहले ओवर में तीसरी बॉल पर विकेट निकाल कर यह बता दिया कि उनमें अभी भी मोमेंटम मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो नसीम शाह जिसे बाबर आजम बार बार ओवर दे रहे हैं वो ऊपर नीचे चौके और छक्के खाता जा रहा है। पाकिस्तान टीम के बारे में और फिर भारत के बारे में विक्रांत गुप्ता ने आगे क्या कहा वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। जिंदगी में आपको तैयार रहना पड़ेगा फॉर अ बैड डे, बिकॉज तजुर्बे से बोल रहा हूं, हमारे पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, जो बैड पीरियड आता है ना, हम उस बैड पीरियड में कुएं में गिर जाते हैं, हम उसको फिर एक बैड डे बना लेते हैं और हमारे हाथ तक फूल जाते हैं, उसमें से कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं मिलता ना आपको, सब फिर आप कोशिश ही नहीं करते हो, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली जो जो सिचुएशन रही मैचेस के, रोहित विराट की जिम्मेदारी थी और कोई भी आपको नया हीरो उस तरीके से मिला नहीं जिसने क्रंच गेम में फंसे। जंग का ना एक उसूल होता है, जंग का एक उसूल होता है वॉर के, जब आपकी वॉर नहीं लड़ाई, आपस की लड़ाई, जब आप सामने वाले को मार दो ना, एक मैं मानता हूं दरवाजा उसके लिए खोल दो, एग्जिट डोर, वो चुपचाप हार मान के चला जाए घर। लेकिन अगर सारे दरवाजे बंद होते हैं ना, तो जब सामने वाले बंदे को लगता है कि अब मैं मर गया हूं, वो छटपटाता है, वो फिर अपने हाथ पैर चलाता है, वो इंस्टिंक्ट है, वो कोशिश करता है कि अब तो मैं बचा ही नहीं हूं तो कुछ करूं। मुझे याद है 2007 वर्ल्ड T20, और मैं आपको अनिल गवाह है, 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज तक के स्टूडियो में पाकिस्तान ढह गया था, पाकिस्तान खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। एक स्टेज पे आप उनकी बैटिंग उठाए, दे वर नो वेयर इन द पिक्चर, कपिल देव बैठे हुए थे हमारे साथ, तजुर्बा है ना, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट, जीत गया इंडिया वर्ल्ड T20 जीत गया, ऐसे बैठे हुए थे, 4 ओवर शायद रह गए थे, कहते अब मैच बदलेगा, मैंने कहा अब कहां बदलेगा पाजी, खत्म हो गया, कहते ना मैच अब बना है। इस टीम को ना अभी एहसास हो जाएगा कि हम खत्म हो गए, अब वो उस दबाव से निकल के आएंगे कि हमें बनाना है, अब वो खुल के आएंगे, वो बिल्कुल ऐसे आएंगे, और वही हुआ, ठा ठा ठा, पता चला जी आप तो मैच हारने वाले लग रहे थे एक स्टेज पे। सो इंडिया वो नहीं करता, जब हम कुएं में गिरते हैं तो हम हाथ पैर नहीं मारते,
हम ना आराम से रस्सी को पकड़ के बस खड़े हो जाते हैं कि रस्सी क्या ऑटोमेटिकली तो खुद ही ऊपर चली जाएगी? नहीं जाएगी रस्सी ऊपर। अब रस्सी को कितनी देर पकड़ लोगे? अब डूबोगे का नाम नहीं होते। हमारे पास 20 प्रोबेबिलिटीज होती है, 30 प्रोबेबिलिटीज होती है। आज भी हम बैटिंग ऑर्डर को लेकर डिस्कस करेंगे यार, क्या ये ओपन करेंगे या क्या फिर इनको तीन खिला सकते हैं यार, ये विकेट कीपर कहां खेलेगा? और भाई अच्छी टीम की तो अभी तक 15 भी डिसाइडेड होनी चाहिए। 15 क्या, आपकी 11 डिसाइडेड होनी चाहिए, 11 का कॉम्बिनेशन डिसाइडेड होना चाहिए। 15 बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप जो कहते हैं ना हमारे इंडियन क्रिकेट में अब दिक्कत यह है कि दबाव इतना ज्यादा होता है यार, मनोज को कैसे छोड़ जाएं, अनिल को कैसे छोड़ जाएं, विक्रांत को कैसे छोड़ जाएं, दिक्कत ही आ जाती है। आप मुझे बताइए, आपसे 4 महीने पहले आप क्या सोच रहे हैं? तो फिर फॉर्म है ना, फिर नहीं अभी आएगा ना, आईपीएल से जज मत कीजिए। दूसरा, आपने बात की धोनी की, धोनी का क्लटर नहीं है माइंड में, क्लियर कट है, बट वो आईपीएल है। 19 में मतलब आज से 5 साल पहले वो लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, तब उनके माइंड में क्लटर था। और मैं आपको बताऊं, जो मर्जी कह लीजिए आप, यहां जो मर्जी क्रिकेट, ब्रांड ऑफ क्रिकेट, प्लान ऑफ क्रिकेट खेला जाता है, और ये इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा होता है। द मोमेंट कोई आईसीसी टूर्नामेंट आता है, जितने आपके बड़े खिलाड़ी होंगे, एस्टैब्लिश प्लेयर्स होंगे, मुझे एक आप एस्टैब्लिश प्लेयर बता दीजिए जिसकी इस दुनिया में इतना नाम हो और वो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये सोच के जाए कि मुझे अपनी विकेट पे प्राइस नहीं लगानी है, मैं तो 10 बॉल में बना दूंगा 22 रन। नहीं सर, नहीं। आप आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं और प्लेयरों को ये जहन में रहता है कि मैं एक रेपुटेशन लेकर आया हूं, मैं एक इमेज लेकर आया हूं, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मुझे जी टूर्नामेंट के टॉप 3 रन गेटर्स में आना है, मुझे जी टूर्नामेंट के टॉप 5 रन गेटर्स में आना है। रन्स, T20 में रन्स ही एक पैमाना आपने रखा। मेरा कहना है विनेबिलिटी रन से नहीं आती है, रन भी देखो ऐसा नहीं, स्ट्राइक रेट, हम स्ट्राइक रेट बात करते हैं, ऐसा नहीं है, स्ट्राइक रेट भी कभी कभी एक्चुअली ओवर एग्जैजरेटेड होती है। नहीं, लेकिन अब जैसे कल है, कल जो केएल राहुल ने बैटिंग की, भाई कल उनकी बैटिंग अच्छी थी, भले वो 10 बॉलें और खेल लेते बट उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया, तो कल की बात और है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता ना कि आप देखते हो ये फॉर्म में है, ये फॉर्म में नहीं है, फिर आप ही ने सवाल किया खेलेंगे कौन, कहां खेलेगा? तो 15 ओपनर तो हो नहीं सकते आपके, रोहित और विराट भी ओपनर है, जयसवाल भी ओपनर है, गिल भी ओपनर है, हर कोई ओपनर है। नहीं, सवाल ये आ जाता है, जेंट से खेल रहा हूं मनोज, 6 एंड से 6 बॉल उस एंड से खेले, मनोज भी मार दे 1-2 छक्के 1-2 चौके, मैं भी मार दूं, आपको स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करनी सर, आपको 10 रन हर ओवर में चाहिए तो 200 बनते हैं, और अगर आप 10 रन पे चल रहे होंगे तो लास्ट 5 में 70 भी आ जाएंगे, तो आप 220 में पहुंच सकते हैं। बट सवाल ये है, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो में बताया आपको, नहीं बट वर्स्ट लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेस्ट केस आपको आईसीसी में नहीं मिलेगा, कनाडा, नामीबिया, शुंगलू फुंगलू वो सब आपको मिल जाएंगे, उनको आप रगड़ो जितना रगड़ना है, वो आपके रन भी बनेंगे, आपके बूंदियां भी उड़ा दोगे आप। ये पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान की हार जीत पे आपका कोई डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि दो टीमों ने आगे जाने ही जाना है और उसमें सीडिंग आपकी पहले से तय है। आप पाकिस्तान से हारो, पाकिस्तान से जीतो, ये जो पहला इस बार का वर्ल्ड T20 है, जो प्लेसिंग ग्रुप है, वो नूरा कुश्ती है, वो नूरा कुश्ती है, वो है सर न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दो मैच जीतोगे फिर आप जाते हो सेमीफाइनल में। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये शुंगलू फुंगलू तो आप लूट लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आएगी बड़े मैचों में, और बड़े मैच का सर आपको जिंदगी में मैंने देखा है वर्स्ट केस लेके चलना पड़ता है, और वर्स्ट केस में क्या आपके पास वो असला है जो आंख बंद कर ले? आज हैदराबाद की टीम आएगी, मुझे नहीं पता क्या होगा दिल्ली हैदराबाद, पर जो उन्होंने खेला है वो स्ट्राइक रोटेशन पे बिलीव ही नहीं करते, उनकी स्ट्राइक रोटेशन पता क्या है, 2 छक्के मार दिए 2 चौके मार दिए फिर एक सिंगल ले लिया। हमारा उल्टा है, हम सिंगले लेते हैं फिर एक दुक्का चाहिए होता है हमें, फिर हमें जब 2-3 ओवर में मिलता है तो चलो 1 छक्का टांग देते हैं। सो द सिचुएशन हैज चेंज्ड। आज भी हम, मैं बार बार कह रहा हूं, वनडे क्रिकेट है, स्ट्राइक रोटेट स्ट्राइक रोटेट स्ट्राइक रोटेट, ठीक है, मिला तो चौका मार दो, मिला तो छक्का मार दो। सर आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, लोगों को बहुत बुरा लगना चाहिए और लगे, कर लो जिसको, जिसने गाली देनी है दे दो यार, ट्रोल कर लो। अब वर्ल्ड कप फाइनल उठा लो 2019 का, 23 का, आप टॉप टीम हो, आपने क्या क्रिकेट खेली है, आपने क्या बैटिंग की है, क्या आपने बॉलिंग की है, अचानक से क्या होता है आपके 10 में 80 रन भी है, एक आउट हुआ, एक के साथ दूसरा आउट हो गया, अगले 20 ओवर आपका चौका नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या एक और मैच मिलना था अगले दिन, एक और 50 ओवर तो नहीं मिलने थे ना, जो मिलना था वही मिलना था, 12 से 30 या जितने भी ओवर थे वो जा रहे थे, मीटर तो चल रहा था, तेज तेज भाग रहा था। सर होता क्या है ना, फिर ऐसे में आपने जडेजा को भी ब्लेम कर दिया, सूर्य को भी ब्लेम कर दिया, अब T20 में भी ऐसे करोगे? T20 में आपको मालूम है आपके पास अगर जडेजा और हार्दिक 6-7 है, यू नो कि यार हो सकता है कि वो जो 21 बॉल में 52 रन वाली पारी है ये ना, और एज बैट्समैन खिला दो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब शिवम दुबे को क्यों कह रहे हो ऑलराउंडर, ऑलराउंडर बॉल नहीं डालेगा तो यार इसका मुश्किल है। शिवम दुबे बॉल डाल रहे हैं? शिवम दुबे आईपीएल में बॉल डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे। बैटिंग कर रहे हैं? थरथरा रहे हैं सारे, चेन्नई कल हार गया क्योंकि शिवम दुबे आउट हो गए।
प्रॉब्लम इसमें है तो बैटिंग कर रहे हैं ना, हमने जो वही है कि वर्ल्ड कप के शिवम दुबे ने कब आपको आके अनाउंस किया था हेलो मैं बॉल भी करता हूं, बट हमने 20 ओवर में अगर हम विकेट नहीं लेंगे तो हम खाएंगे 225 विकेट लेके आप उसको 225 को 185 190 तक लेके आ सकते हो और आप